एक बार की बात है, एक चिड़िया थी एंड वो एक ऐसे स्पीशीज से बिलोंग करती थी जो कि काफ़ी तेज़ उड़ती है। तो जब उसका जन्म हुआ तो उसका घोंसला एक ऐसे जगह पे था ना जिसके आसपास काफ़ी सारे चीते रहते थे। यू नो चीता काफ़ी तेज़ भागता है, तो हर दिन सुबह वो उठती थी, वो देखती थी ना कि चीते काफ़ी तेज़ भाग रहे हैं, मतलब इतना तेज़ कि क्या बताऊँ। तो उसने सोचा ना कि उसे बहुत अच्छा लगा कि यार इतना तेज़ भी कोई भाग सकता है। उसने कोशिश की कि वो भी उतना तेज़ भागे, बट ओबियसली वो एक चिड़िया थी, वो इतना तेज़ भाग ही नहीं सकती थी। उसने और कोशिश की और कोशिश की और कोशिश की और कोशिश की एंड कभी भी किसी चीते से ज़्यादा तेज़ भाग ही नहीं पाई। तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई कि अरे यार मैं मतलब इतना तेज़ तो भाग ही नहीं सकती, मैं क्या करूँ यार, मतलब क्या करूँ मैं, मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। एंड वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इतना ज़्यादा सैड हो गई कि उसने उड़ना ही छोड़ दिया। बोला कि नहीं मैं नहीं उड़ूंगी, मतलब बेसिक काम करती थी, ज़्यादा हाई तक उड़ती नहीं थी, ज़्यादा तेज़ भी उड़ने की कोशिश नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर एक बार क्या हुआ ना कि जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल जल रहा था, सारे लोग भागने लगे, ठीक है, जितनी चिड़िया थी सारी उड़ के जाने लगी। अब उस जंगल में सारे उसी स्पेशीज़ की चिड़िया रहती थी जो कि जिससे वो बिलोंग करती थी। तो हुआ यूँ कि सारी चिड़िया जो कि उस स्पेशीज से बिलोंग करती थी वो भाग गई, बट वो वहीं रह गई एंड वो मर गई क्योंकि वो उतना तेज़ भाग ही नहीं पाई, मतलब उतना तेज़ उड़ ही नहीं पाई। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हालांकि वो काफ़ी तेज़ उड़ सकती थी अगर उसने प्रैक्टिस किया होता उड़ने का तो, बट वो इस बात को लेकर रोती रह गई कि वो तेज़ भाग नहीं पाती, इसलिए उसने उड़ने की कोशिश ही नहीं की और इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि वो मर गई। ऑल आई वांट टू से इज़ कि हम हमेशा ये करते रहते हैं कि हम रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मेरी हाइट कम है, मुझे गाना कम आता है, मैं अच्छा एक्टिंग नहीं करता, मैं अच्छा सिंगिंग नहीं करता, मैं अच्छा डांस नहीं करता, एंड उन चीज़ों को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं जिसमें कि हम अच्छे होते हैं। और मैं इसके ना कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर अ पर्सन जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, बट तुम्हें भी पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है एंड उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल बप्पी दा, सब जानते हैं उन्हें। या फिर मान लो कि तुम्हारी हाइट कम है तो यू माइट बी लाइक अरे यार मेरी हाइट तो 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, काश मैं 5'11" होता, 5'10" होता। बट टेक द एग्जाम्पल ऑफ आमिर खान, उसकी हाइट भी बस 5'5" है बट उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। ऑल आई वांट टू से कंक्लूड करते हैं इज कि डजंट मैटर कि तुम किस चीज़ में बुरे हो, तुम अपने अच्छाइयों को, तुम अपने बाकी खूबियों को इतना अच्छा कर लो कि वो जो छोटी सी चीज़ है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो वो दिखे ही ना। सो गाइज, ऑल यू हैव टू डू, इनफैक्ट ऑल वी हैव टू डू, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, तुम्हारे से ही बिलोंग करता हूँ मैं, इज वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आर सेल्स। लाइक मैं द बेस्ट वर्जन ऑफ इक्लिप्स नो अभी तक नहीं हूँ, मैं भी जिम नहीं जाता, मुझे भी जिम जाने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है, और ज़्यादा गाने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक्टिंग करने की ज़रूरत है, उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो आई फील लाइक मैं भी अपना बेस्ट वर्जन अभी तक नहीं हूँ। आई फील ये कब होगा जब मैं सुबह हर दिन 6 बजे उठ के जिम जाऊँगा, गाने की प्रैक्टिस करूँगा, क्लास में सोऊंगा नहीं, सारे असाइनमेंट्स करूँगा। सो मैं तो नहीं हूँ अभी तक, तो मेरे यहाँ कोई हक नहीं बनता कि मैं कंप्लेन करूँ कि यार मैं ये नहीं कर पाता अच्छा, मैं वो नहीं कर पाता अच्छा। अगर मैं नहीं कर पाता तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये है कि मैं करता नहीं। ऑल्सो गाइस, दिस वीडियो वॉज एन एसोसिएशन विद डाउट नॉट, अब तो पता चल गया होगा सबको, मतलब इतना बार मैंने बोल दिया। डाउट नॉट एक ऐप है जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं एंड इट्स सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ अ डाउट, सेंड इट एंड यू गेट द सॉल्यूशन। सो चेक इट आउट राइट नाउ, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, और हम जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में।